अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हमें एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करनी है जिसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है। आज हमें बात करनी है डिसमेनोरिया या फिर ड्यूरिंग पीरियड्स जो क्रैम्प्स होते हैं, पेन होती है, इसके अबाउट बात करेंगे आज हम। ये एक ऐसा इशू है कि जो ऑलमोस्ट 60-70% फीमेल्स में पाया जाता है, लेकिन इसको डिस्कस नहीं किया जाता। आज हम वजह जानेंगे कि डिसमेनोरिया के बिहाइंड पे क्या रीज़न होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और हम साथ में इसकी मेडिसिन को जानेंगे कि आपको अगर डिसमेनोरिया का इशू है, आपको भी ड्यूरिंग पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, पेन होती है, तो आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मूड स्विंग्स जो चेंज होते हैं, तो अक्सर फीमेल्स में हम देखते हैं कि जब ये डेज आते हैं तो उनके मूड स्विंग्स चेंज हो रहे होते हैं, तो उसकी रीज़न क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए जो है वो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले जो है वो पीरियड्स क्रैम्प्स, पेन या ड्यूरिंग पीरियड जो दर्द होती है, या फिर डिसमेनोरिया क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। डिसमेनोरिया बेसिकली, इसको अगर हम आम अल्फाज में बयान करें तो आपकी एक साइकिल होता है, जो फीमेल का साइकिल होता है, पीरियड्स का एक साइकिल होता है, जो 20 से 28 दिन का होता है, और इस 28 दिन के बाद जो है वो आपको पीरियड्स होते हैं। तो ये जो 20 से 25 से 28 दिन का साइकिल होता है, इस साइकिल के बाद जो है वो पीरियड्स होते हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स जो पेन होती है, और कुछ ख्वातीन को ये पेन जो होती है वो बियरेबल होती है, और कुछ ख्वातीन ऐसी होती है कि जिनको ये पेन बियरेबल नहीं होती, या ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें आप बियर नहीं कर पाते, आप अपनी नॉर्मल रूटीन को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, इस पेन को हम बोलते हैं डिसमेनोरिया। अब डिसमेनोरिया जो है वो कितने टाइप का होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली अगर हम डिसमेनोरिया की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और सेकेंड होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डिसमेनोरिया के ऊपर अगर हम बात करें तो प्राइमरी डिसमेनोरिया ऐसा डिसमेनोरिया होता है जिसमें कोई पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं होती है, इसके बिहाइंड पे कोई मेन रीज़न नहीं होती है, और इसमें कोई आपको ऐसी बीमारी नहीं होती है जिसकी वजह से आपको ये पेन रहती है। ये एक नॉर्मल साइकिल होता है, और इस नॉर्मल साइकिल में जो है उसके बाद आपको जो पीरियड्स होते हैं तो आपको पेन हो रही होती है। अब कुछ, जैसे मैंने बताया कि कुछ ख्वातीन में ये जो पेन होती है बियरेबल होती है, वो इसको बर्दाश्त कर पाती हैं, तो ईज़िली आप जो है वो 5 से 7 दिन का जो एक टाइम होता है उसको आप इजीली गुजारते हैं। ये पेन होती कब है? आपको पीरियड से 2 दिन पहले ये पेन क्रैम्प्स पड़ना शुरू होते हैं, और 2-3 दिन जो है वो ये रहते हैं। तो ये 3 से 5 दिन का जो है वो एक टाइम पीरियड होता है, और उसके बाद जो है वो खुद ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो प्राइमरी डिसमेनोरिया में ऐसा कोई रीज़न नहीं होता जो सामने आता, पैथोलॉजिकल ऐसा कोई इशू नहीं होता। सेकेंडरी डिसमेनोरिया जो होता है, वे ऐसे डिसमेनोरिया को कहते हैं जिसके बिहाइंड पे कोई पैथोलॉजिकल रीज़न होती है, लाइक फाइब्रॉइड हो गया, या कोई इस तरह की इशू हो गया, आपकी स्वेलिंग हो गई, और मतलब आपकी लोअर एब्डोमेन में कोई इशू हो गया, तो उसकी वजह से जो है वो सेकेंडरी डिसमेनोरिया होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कॉजेज, इसके बिहाइंड पे डिसमेनोरिया की कॉजेज क्या होती है। अगर हम अब की बात करें तो प्राइमरी डिसमेनोरिया जो है वो 18 से 25 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसकी रेशियो जो है वो 50-70% जो है वो 18 से 25 साल की बच्चियों में देखी गई है। इसके बिहाइंड पे कॉजेज की अगर हम बात करें तो हमारा लाइफस्टाइल, जो हमारा एक लाइफस्टाइल है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है प्राइमरी डिसमेनोरिया का। उसमें हमारा खाने पीने की जो रूटीन है, हम बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फूड इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा हम जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, या हम किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू होता है। सारा दिन का बैठे रहना, खा पी कर भी जो हम हैं वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ये एक रीज़न हो सकती है, और ओबेसिटी एक रीज़न हो सकती है। इसके अलावा जो है वो हार्मोनल चेंज जो है वो एक रीज़न हो सकती है। हार्मोन जब चेंज हो रहे होते हैं तो उसमें भी ये इशू पाया जाता है, ये रीज़न सामने आती है। तो इसमें हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। अगर प्राइमरी डिसमेनोरिया है तो इसको ठीक करना बहुत ही इजी है। उसमें ये होगा कि हम अपने खाने पीने की रूटीन को बेहतर बना के इसको सही कर सकते हैं, या फिर हमारा एक जो हम बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, वर्किंग नहीं करते, तो अपनी लाइफस्टाइल में जो है वो वर्कआउट को पार्ट बना के इसको ठीक किया जा सकता है।
और इसके अलावा जो है वो बी कॉम्प्लेक्स जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बी कॉम्प्लेक्स से बनी हुई जो भी हम चीज़ें खाएं तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करें तो उससे भी ये इशू हमारा ठीक हो सकता है। मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद है। कोई ऐसी चीज़ जिसमें मैग्नीशियम पाई जाती है वो भी इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये कोई पैथोलॉजिकल चेंजिंग की वजह से कोई इशू हो सकता है बिहाइंड पे, उसकी वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है, तो वो आप अपने कंसल्टेंट से राबता करेंगे, वो आपको उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन देगा और उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करेगा तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो ख़वातीन में जो है वो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये एक ऐसा इशू है जो 50-70% वीमेन में पाया जाता है और इसको डिस्कस नहीं किया जाता, इसको उस तरीके से इसको ट्रीट नहीं किया जाता। मूड स्विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और जब हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं तो आपके मूड के ऊपर उसका असर पड़ रहा होता है। मैंने आपको कुछ सिम्टम्स जैसे कहा कि मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगी कि इसके सिम्टम्स क्या होती हैं। अब सिम्टम्स में इसमें बहुत ही जो बेसिक सिम्टम्स देखी जाती हैं वो ये होती है कि इसमें आपको एक तो डिस्मेनोरिया में पेन होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपके लोअर एब्डोमेन में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है और वो पेन जो है वो आपके कमर तक जा रही होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी पेन होती है जो बियरेबल नहीं होती, एक ये। और सेकंड जो है वो नोज़िया की कंडीशन होती है, आपको मतली आ रही होती है, वॉमिट आ रही होती है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बीपी, आज लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है इन डेज़ में, तो बीपी जो है वो बहुत बीपी का बहुत ज़्यादा लो होना, कुछ खाने को दिल ना करना, इसके अलावा डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो जो है क्रैम्प्स होते हैं, पेन होती है बहुत ज़्यादा डिस्मेनोरिया में। अच्छा, इसमें एक ये भी इशू हो सकता है कि जब ये प्रॉब्लम आती है तो क्लॉट्स, आपको ब्लीडिंग जो है वो क्लॉट्स में बहुत ज़्यादा हो तब भी पेन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कुछ रीजंस हो सकती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में जो है वो उन चीज़ों को ऐड करना पड़ता है जो कि हमारे हार्मोन्स के जो चेंजिंग है उसमें फ़ायदेमंद साबित हों। और अगर हम होम्योपैथिक की बात करें, एलोपैथिक में जो है वो इस कंडीशन में पेन किलर, कुछ बच्चियाँ ऐसी होती है, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि ये पेन बियरेबल नहीं होती, इस कदर ज़्यादा होती है कि आपको या तो पेन किलर लगवाना पड़ता है या पेन किलर खानी पड़ती है, तो इन दो सूरतों में ये ठीक होता है, अदरवाइज़ ये ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा पेन होती है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, प्रिकॉशंस थोड़ी सी मैं आपको बताऊँगी कि प्रिकॉशंस में हम क्या कर सकते हैं। इसमें हम गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर बॉटल को यूज़ कर सकते हैं, उससे आप जो है वो टकोर कर सकते हैं लोअर एब्डोमेन में। इसके अलावा जो है वो ठंडे पानी से, थोड़ा सा ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ कर सकते हैं, जंक फूड से परहेज़ कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करके हम इस पेन से बच सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन की, जैसे मैंने आपको बताया कि होम्योपैथिक में एक ऐसी मेडिसिन है जिसको आप 1-2 महीने खाएंगे तो आपकी ये डिस्मेनोरिया, प्राइमरी डिस्मेनोरिया में आपकी जो कंडीशन है, आपको बहुत ज़्यादा जो पेन रहता है, तो होम्योपैथिक की एक ऐसी मेडिसिन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि जिसको आप 1-2 महीने इस्तेमाल करें आपकी ये पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो वो मेडिसिन कौन सी है, वो मेडिसिन है एक्सेंथॉक्सिलम। एक्सेंथॉक्सिलम एक ऐसी मेडिसिन है जो के पीरियड्स क्रैम्प्स के लिए, डिस्मेनोरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई है। इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं, पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं, वो हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख चुके हैं। इसको आप 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करें तो आपके डिस्मेनोरिया का इशू जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ये सॉल्ट आउट हो जाएगी। ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपको अगर ये इशू है या आपके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है या आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई ऐसी पेशेंट आती है जो आपको ये सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स बताती है कि मुझे ये इशू आता है और इस तरह के सिम्टम्स मेरे सामने आते हैं, मुझे पेन इस कदर पेन होता है, साथ में नोज़िया की कंडीशन है, डायरिया है, या फिर मैं अपना लाइफस्टाइल को उन डेज़ में जो है वो अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यू नहीं कर पाती, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर ऑफिस, अपना वर्क जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती, उसमें आप इस मेडिसिन को यूज़ करवाएं। आप 1-2 दफ़ा यूज़ करवाएंगे तो ये आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, टोटली सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक्सेंथॉक्सिलम आपको किस पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, आपको करनी है क्यू की पोटेंसी में। एक्सेंथॉक्सिलम को आप क्यू की पोटेंसी में लाएंगे। इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप जो हैं वो 5 ड्रॉप्स जो हैं वो सुबह शाम आधे कप पानी में
5 ड्रॉप्स जो हैं एक्सेंथॉक्सिलम के लेंगे, नीम गर्म पानी लेंगे, इतना ठंडा पानी नहीं लेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है उसमें आप इस्तेमाल करेंगे। सुबह शाम आप 5-5 कतरे इस्तेमाल करें तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्ट आउट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो सॉल्ट आउट हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल हो जो आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।